नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस कहानी के साथ मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ उसका शीर्षक है कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मेली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस। यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए, तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहला कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हांकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फटफड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुछड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी।
जो बेटी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोनती, मंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंधे सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टा में उलझी हुई मारो मारो चिकनी लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर ये प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धूली बेधूली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार थारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ कुछ मिनटों के तीन चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पियेंगे।